है नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका इंट्रोड्यूस गैजेट्स के फ्रेश कमाल वीडियो में। तो इस दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को एसयू पोर्ट को डिसेबल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं अपना पेन ड्राइव लगा के आपको दिखाता हूँ कि मेरा पेन ड्राइव एक्सेस कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा पेन ड्राइव यहाँ एक्सेस कर रहा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे डिसेबल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में विंडोज प्लस आर प्रेस करना है, फिर आपको रन कमांड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखना है REGEDIT रिजिडिट, फिर एंटर प्रेस कर देना है। फिर आपको ऐसा पेज ओपन होगा, उस पर यस क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कंप्यूटर का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको HP लोकल मशीन पे क्लिक डबल क्लिक करना है। फिर आपको नीचे आना है, उसी में डबल फिर सिस्टम दिखेगा, आपको उस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे का ठीक आ जाएगा ऑप्शन करेंट कंट्रोलर सेट का, वहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको उसमें नीचे आने पर यहाँ पर ऑप्शन आएगा सर्विसेज का, उसमें डबल क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप इसमें स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा USB शॉर्ट का, उस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको फिर इधर ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट का, तो फिर उस पर डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा ऐसा पेज। तो उसमें जब भी वैल्यू लिखा होगा 2 3 4, तो उसको मतलब कैंसिल करके चार लिख के ओके कर दीजिएगा। फिर कट करके होम पे आ जाइएगा, फिर रिफ्रेश कर दीजिएगा। फिर मैं दिखाता हूँ अपने पेन ड्राइव लगा के कि एक्सेस कर रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों मैं फिर आपको बताता हूँ कि आप अपने एसयू पोर्ट को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो फिर सेम प्रोसेस है, विंडोज प्लस आर क्लिक कीजिएगा, फिर रिजिडिट लिख दीजिएगा REGEDIT, फिर एंटर प्रेस कर दीजिएगा, फिर यस कर दीजिएगा। तो आप जैसे जैसे मतलब ऑप्शन खोले थे वैसे वैसे आपको आ जाएगा। फिर यहाँ पे स्टार्ट पे फिर से डबल क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू चेंज किए थे, जो पहले वाला वैल्यू था उसको पुट कर दीजिएगा। जैसे मेरा पहले 3 था तो 3 पुट कर देता हूँ, फिर ओके कर देता हूँ, कैंसिल करके रिफ्रेश कर दीजिएगा। फिर अपना लगा के देखते हैं कि हमारा इनेबल हुआ कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा पेन ड्राइव फिर से रिसीव हो गया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।